गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम विसर्ग संधि कर रहे थे जिसके हमने 6 नियम कर लिए थे पिछली क्लास में। तो आज इसका नियम 7 देखिए, विसर्ग संधि का नियम 7 में बताया गया है, विसर्ग से पहले ए या आ हो और बाद में क या प हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः जमा कार, तो विसर्ग से पहले ए है, आगे क या प में से क है तो विसर्ग का स बन गया नमस्कार। भा जमा कर, विसर्ग से पहले आ है, ए आ में से आ है और बाद में क या प में से हमारे पास क है तो विसर्ग का स बन गया है भास्कर। वाचः जमा पति, विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद प है, क प में से प है तो बन गया विसर्ग का स हो जाएगा वाचस्पति। वाणी का पति बृहस्पति देव को कहा गया है। इसके बाद देखिए नियम 8। नियम 8 में बताया गया है, विसर्ग से पहले ए हो और बाद में ए हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः जमा एव, विसर्ग से पहले ए हो तो विसर्ग से पहले ए है और बाद में ए हो, बाद में ए है तो विसर्ग का लोप हो गया अत एव। ततः जमा एव, तत एव। इसके बाद देखिए नियम 9। नियम 9 में बताया गया है कि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और बाद में ष हो तो विसर्ग या तो ज्यों का त्यों रहेगा या फिर श स में ही बदल जाएगा। ठीक है, या तो वो विसर्ग रहेगा या फिर उसके आगे स होगा तो स में ही बदल जाएगा, श होगा तो स में ही बदल जाएगा। देखिए निह जमा संतान, या तो हम इसको निह संतान ही रखेंगे, निह संतान, या फिर आगे हमारा दंते स है तो विसर्ग का भी दंते स बना देंगे निसंतान। दुशासन, या तो विसर्ग का विसर्ग रखेंगे या फिर क्या करेंगे दुशासन, क्या हो गया आगे ताल्यवय है तो शय का भी विसर्ग का भी ताल्यवय शय बना दिया। निहजमा शुल्क, इसी प्रकार या तो हम इसके विसर्ग का विसर्ग रख ली गया या फिर आगे क्या करेंगे आगे ताल्यवय शय है तो इसका भी ताल्यवय शय बना दिया निःशुल्क। तो आज ये हमारी विसर्ग संधि यहां समाप्त हो जाती है। अब हम कुछ ऐसे उदाहरण करेंगे जो अपवाद के रूप में पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में, तो आगे वे देखिए। तो यहां आप देखिए अपवाद में मनीषा, मनीषा का संधि विच्छेद होगा मनस जमा ईसा। देखिए हुआ कैसे ये देखिए, इसका एक सूत्र है अचो अंत्यादि टी, वो जो मनस में अस भाग है, देखिए मनस का अस भाग हम अलग करेंगे तो ऐसे होगा मन अस, इस अस भाग की टी संज्ञा कर देता है। कौन सा सूत्र, अचो अंत्यादि टी सूत्र, तो ऐसे बता रहे हैं आपके काम का नहीं है, समझ लीजिए बस। और फिर एक सूत्र आता है डित्व सामर्थ्यादि वश्यापि टेर लोप है, वो इस अस भाग को लोप कर देता है। तो अस भाग का लोप करने के बाद हमारे पास क्या रहा, हमारे पास रहा मन और आगे हमारे पास क्या है ईसा। अब आप जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा मनीषा। तो आप याद रखें हमेशा के लिए मनीषा की संधि विच्छेद होगी मनस जमा ईसा। पतंजलि, ये भी अपवाद है, देखिए पतत जमा अंजलि, पतत जमा अंजलि पतंजलि। इसी प्रकार है बचपन बच्चा जमा पन से क्या बनेगा बचपन बन जाएगा। पंचक्की पानी जमा चक्की, पानी जमा चक्की से क्या बनेगा पंचक्की, पानी में चलने वाली चक्की
पंचक की। फिर आ गया दंतोष्ट। देखिए दंत जमा ओष्ट, दंत जमा ओष्ट। वैसे तो देखिए दंत जमा ओष्ट करने से क्या बनेगा, दंतौष्ट होना चाहिए, क्योंकि आपने वृति संधि में पढ़ा है ए के बाद ओ या औ आएगा तो औ बन जाएगा, तो बनना क्या चाहिए इस हिसाब से, इस हिसाब से तो आपका दंतौष्ट ये बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये नहीं बनेगा, दंतोष्ट बनेगा, दंत जमा ओष्ट, ये अपवाद है। दंतोष्ट कब बनना चाहिए, दंतोष्ट तब बनना चाहिए जब दंत जमा उष्ट आए, क्योंकि आपने गुण संधि में पढ़ा ए जमा उ इज इक्वल टू ओ, तो ओ कब बनता हमारा, ओ तो तब बनेगा जब ए के बाद उ आएगा। यहां ओ तो बना लेकिन ए के बाद उ नहीं आया, ए के बाद उ नहीं आया, ए के बाद ओ आया, और ए के बाद ओ आएगा तो वृद्धि संधि में जाएगा, वृद्धि संधि में जाएगा तो दंतोष्ट बनेगा। दंतोष्ट शब्द है नहीं, शब्द है दंतोष्ट, तो ये अपवाद है। उसी प्रकार सेम एज सेम रहेगा अधर जमा ओष्ट, ये भी देखिए ए के बाद ओ है तो क्या होना चाहिए, ये भी अधराउष्ट बनना चाहिए, वृद्धि संधि में जाना चाहिए, पर शब्द अधरोष्ट होता है, अधराउष्ट नहीं होता है। इसी प्रकार ये दंतोष्ट की तरह ही ए के बाद ओ आने पर ये भी अपवाद बन गया, अधरोष्ट बन गया, ठीक है। उसके बाद शुद्धोदन, देखिए शुद्ध जमा ओदन, शुद्ध जमा ओदन, ये भी सेम इसी प्रकार से है भाई। यहां ए है, देखो दे के बाद धै आया और धै में ए है, इसको आप अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं शुद्ध जमा ओदन। तो देखिए धै में ए है, ए के बाद ओ है, ए जमा ओ आने पर क्या बनना चाहिए, बनना तो औ चाहिए, पर औ बन नहीं रहा है, क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, क्योंकि शुद्धोदन शब्द है, शुद्धाउदन नहीं है, तो ये भी अपवाद है। शुद्ध जमा ओदन से क्या बनेगा, शुद्धोदन। तो इस प्रकार से ये कुछ अपवाद थे, सारे अपवाद तो हमने नहीं किए, पर जो ज्यादा महत्वपूर्ण थे वे मैंने करवा दिए हैं आपको। प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा संधि का पाठ आज समाप्त हो गया है। आप इसको अपनी फेर कॉपी पे, जैसा मैंने आपको करवाया है ये सभी एग्जाम्पल्स, कोई भी संधि ऐसी मैंने छोड़ी नहीं जिसके एग्जाम्पल आगे दिए ना हों, तो वे सभी एग्जाम्पल्स आप उसके आगे करें, अपनी फेर कॉपी में सारा काम करते रहें और साथ ही साथ याद करते रहें। जो क्लासरूम ऐप पे आपको होमवर्क मिलता है उसमें भी मैं अलग से आपको होमवर्क में भी यही देता हूँ, तो ये सारा काम आप अच्छे से करें। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा सा समझ में आ रहा होगा, और आगे हम जब अगली क्लास लेंगे आपकी, तो उसमें एक व्याकरण का कोई अलग पाठ लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।